में सही पांच बात है हजार यार। वर्ष पूर्व लिखने हेतु घास को लेकर फटका बनाने के प्रयासों के से लेकर आधुनिक कागज उद्योग की कहानी लिखने हेतु तथा पुस्तकों के प्रकाशन में प्रयुक्त होता है, परंतु 17वीं शताब्दी तक यह एक दुर्लभ पदार्थ था। आओ कागज के आविष्कार के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करें। कागज के विषय में विचार करते समय हमें लगभग 5000 वर्ष पूर्व की विश्व की ओर वापस जाना पड़ेगा, तथा मिस्र देश की नील नामक नदी की घाटी की यात्रा करनी होगी। इस घाटी की पंकली भूमि में एक लंबी भूमि घास उग जाती थी, जिसे वहां के निवासी काटकर नदी के जल में डाल देते थे ताकि वह मृदु हो जाए। प्रयुक्त होने वाले कागज की कहानी सुरथा भिन्न है। इस कहानी का संबंध मिस्र से ना होकर चीन से है, जहां इसका आविष्कार 105 ई में हुआ था, हिस्टनी में हुआ था। इसके आविष्कारक का नाम था काई लून, जो कि चीन के तत्कालीन स्मार्ट के रनिवास में सेवार्थ था। उसने सहतूत के पत्तों को कूट कूट कर उनका गूदा बना लिया तथा उसे एक पट का रूप देकर लेखन हेतु सुखा लिया। कालांतर कालांतर में कागज बनाने के लिए पुराने वस्त्र सन नामक पौधे का छिलका तथा मछली पकड़ने के पुराने जाल भी प्रयोग में लाए जाने लगे। लगभग 200 वर्ष तक चीन का कागज उद्योग देश से बाहर नहीं जा सका। तीसरी शताब्दी में वियतनाम तथा तिब्बत के मार्ग होता हुआ यह उद्योग एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में फैल गया। परंतु कागज की मांग के उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण एक नए पदार्थ के प्रयोग की खोज की गई, और वह पदार्थ था लकड़ी का गोदा। यह गोदा नरम छाल वाले पेड़ों से प्राप्त किया जाता था। ऐसे पेड़ों को गिराकर उनकी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता था। फिर उनमें सोडियम सल्फेट नामक रसायन मिलाया जाता था, तथा भारी दबाव के प्रभाव से उनके रेशे अलग करके उनका गोदा प्राप्त कर लिया जाता था। इस गोदे में से अनावश्यक पदार्थों को अलग कर लिया जाता था, तथा शुद्ध गुदों को फलतः गुद्दे का सारा पानी निकलकर बह जाता है, तथा गुद्दे की सीक को सुखा लिया जाता है। यही नहीं, इस प्रकार तैयार हुए कागज को अलग-अलग रंग भी दे दिए जाते हैं, तथा इसके तल को चिकना बना दिया जाता है। अंतर यह है कि लकड़ी के गुदे से तैयार होने के कारण आज के कागज की आयु अत्यंत सीमित है। यह कुछ ही वर्ष में पीला पड़ जाता है, जबकि प्राचीन पदार्थ भोजपत्र चर्मपत्र आदि इस दोष से रहित हैं। वे सैकड़ों वर्षों से जो के त्यों सुरक्षित पड़े हुए हैं, परंतु वर्तमान कागज इस गुण से विहीन है। फलत पुस्तकालयों में पड़ी पुस्तकें कुछ ही वर्षों के बाद प्रयोग के योग्य नहीं रहती। मशीनी कागज के गुण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। गूदे का स्तर, गूदे को निखारने पर किया गया परिश्रम, कागज बनाने वाली मशीन की गुणवत्ता, तैयार हुए कागज की जीवन अवधि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन काल में ऋषि मुनि मंत्र जंत्र तथा धार्मिक पुस्तकों को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते थे? भोजपत्र। किसका प्रयोग करते थे? भोजपत्र। वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाला कागज का आविष्कार कब हुआ? 105 ईस्वी। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद।
18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कागज बनाने वाली पहली मशीन का आविष्कारक कौन है? निकोलस लुई रॉबर्ट, निकोलस लुई रॉबर्ट। ओके, उसके बाद सही विकल्प में है आधुनिक कागज के हस्त उद्योग का आविष्कार किसने किया? हस्त उद्योग, जो हाथों से बनाया जाता था कागज, उसका आविष्कार काइल लुन ने किया था। और मशीनी उद्योग का आविष्कार किसने किया था? निकोलस लुई रॉबर्ट ने, जो मशीनी मशीनों से कागज बनाया जाता था उसका आविष्कार निकोलस लुई रॉबर्ट ने किया था, जो हाथों से कागज बनाया जाता था उसका आविष्कार काई लून ने किया था। ओके, उसके बाद किसे आविष्कारक की जननी कहा जाता है? आवश्यकता को, किसे कहा जाता है? आवश्यकता को आविष्कारक की जननी कहा जाता है। लकड़ी के गूदे से तैयार होने के कारण कागज की आयु होती है अत्यंत सीमित, ठीक है। और नीचे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं जो एक या दो शब्दों में आपको लिखने हैं। जैसे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि कागज की जगह क्या प्रयुक्त करते थे? भोजपत्र। प्राचीन मिस्रवासी किस वस्तु से लिखने हेतु फलक बनाते थे? लंबी घास। प्राचीन यूरोपवासी किस वस्तु से लिखने हेतु फलक बनाते थे? भेड़ बकरी तथा गाय की खालों से, है ना। तो इस तरह ये आपको अपनी अपनी पुस्तक में सारा वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। इधर यहाँ पर प्रायवाची शब्द लिखने हैं सबके। फलक का होता है शीर्ष तख्ता, दुर्लभ का दुर्गम कठिन, सुलभ सरल सहज, सतत सदा हमेशा। इस तरह ही आपको वर्क पूरा कंप्लीट करना है अपनी बुक में, ठीक है।